हेलो एवरीवन, आज है 11 मार्च 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पल दधव मसेकर वॉज हेल्ड एट विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। तो पाल दधव नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, याद रखिए गुजरात में बहुत ही भयानक पल दधव मसकर हुआ था, यानी जन नरसंहार हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात गवर्नमेंट मार्क्ड 100 ईयर्स, और इसका दोस्तों याद रखिए पल दधव किलिंग्स का हाल ही में 100 ईयर्स मार्क्ड करे गए हैं दोस्तों। साइटिंग इट अ मसकर बिगर देन द जलियांवाला बाग, दोस्तों जलियांवाला जो बाग मसकर था उससे भी बड़ा दोस्तों ये पल दधव मसकर कहा जाता है। द किलिंग हैड आल्सो बीन फीचर्ड ऑन द स्टेट्स रिपब्लिक डे टैब्लू। ठीक है दोस्तों, द मसकर टुक प्लेस ऑन मार्च 7, 1992, याद रखिए ये जो मसकर है 7 मार्च 1922 में हुआ था, तो जलियांवाला बाग के लगभग कह सकते हैं 2-3 साल बाद, है ना। इन द पल चितरिया एंड दादव विलेज ऑफ गुजरात, तो दोस्तों ये दो विलेज हैं पल चितरिया एंड दादव विलेज, ये इन दोनों में ही दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक तरीके से खून हुआ था। The villagers gathered as part of AK movement, दोस्तों यहाँ के गांव के जो लोग थे एक AK movement चला रहे थे, उसी को लेकर इकट्ठा हुए थे, जिसको मोतीलाल तेजवत जो है लीड कर रहे थे। Around 1000 were shot down by the British, तो लगभग दोस्तों 1000 लोग जो है गोली मार दिए गए थे ब्रिटिश द्वारा। Their aim was to protest against the land revenue tax, तो दोस्तों यहाँ के जो विलेज के लोग थे वो लैंड रेवेन्यू टैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये है गुजरात दोस्तों, ठीक है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है दोस्तों, ठीक है, गांधीनगर, और राजस्थान महाराष्ट्र से बॉर्डर टच करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दमन एंड दीव है, दमन दीव दादर नगर हवेली, ये हमारी यूनियन टेरिटरी भी है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कौशल्या मातृत्व योजना, तो किस भारतीय राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, याद रखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करी है। किसने? छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, इन्होंने ही लॉन्च करी है कौशल्या मातृत्व योजना। दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी 5000 रुपए की दोस्तों, ठीक है, किसको दोस्तों? औरतों को जो कि बर्थ देती हैं सेकंड चाइल्ड को, याद रखिए जो भी औरतें जो है अपने सेकंड बच्चे को जन्म देती हैं उनको 5000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ही ऑल्सो रिलीज्ड कन्या विवाह योजना, इसके अलावा दोस्तों याद रखिए छत्तीसगढ़ सरकार ने कन्या विवाह योजना भी शुरू करी है। कॉफी टेबल बुक एंड सखी वन स्टॉप सेंटर टेलीफोन डायरेक्टरी, तो याद रखिए कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च करी है, सखी वन स्टॉप सेंटर टेलीफोन डायरेक्टरी भी लॉन्च करी है। द चीफ मिनिस्टर विजिटेड द स्टॉल्स सेटअप एज पार्ट ऑफ द 4-day-long स्टेट लेवल महिला मदाई। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यह है छत्तीसगढ़, याद रखिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और छत्तीसगढ़ दोस्तों याद रखिए कब अलग होकर बना था दोस्तों, सन 2002 में अलग होकर बना था, किससे? मध्य प्रदेश से। याद रखिए 2002 में ही 3 राज्य नए बन के आए थे, एक झारखंड, एक छत्तीसगढ़ और एक उत्तराखंड। याद रखिए फिर से बोल देता हूँ, सन 2002 में ये 3 राज्य नए निकल कर आए थे, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था, और उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। और सबसे लेटेस्ट जो राज्य है 2014 में जो बना था, याद रखिए वो है तेलंगाना। अगर मैं लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी बोलूं तो आप बोल सकते हैं ये जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर सबसे लेटेस्ट नई यूनियन टेरिटरी बनी है, नई क्या, इनको तोड़ के बना दिया है दोस्तों, ठीक है, पहले एक ही थी लेकिन अब तोड़ के बना दिया है। इसके अलावा आपको पता है दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव ये अलग टेरिटरी थी, लेकिन इनको दोस्तों 104th, याद रखिए 104th या 105th, मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन 105 शायद 105वें अमेंडमेंट के जरिए इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, किसको? दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को। अगला क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022, इंडियाज फर्स्ट 100% फीमेल ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क वॉज ओपन्ड इन विच सिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए हैदराबाद में ये खोला गया है। याद रखिए ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022 के उपलक्ष्य में ये खोला गया है इंडिया का पहला 100% फीमेल ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क, जो कि हैदराबाद में लॉन्च करा गया था, जो कि राजधानी है हैदराबाद किसकी? तेलंगाना की।
ठीक है दोस्तों, इसको अभी इनोग्रेट करा था एक तरीके से किसने, तेलंगाना के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं जिनका नाम है केटी रामा राव ने इनोग्रेट करा था इस पार्क को। ये पार्क दोस्तों बनाया गया है कीपिंग इन द माइंड नीड्स ऑफ वर्किंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। द पार्क हैज ऑल्सो सेटअप फैसिलिटीज लाइक क्रेचेस है ना, यहाँ पे क्रेचेस भी खोले गए हैं ताकि, और प्ले स्कूल्स भी खोले गए हैं ताकि प्रोवाइड हो सके अ होम लाइक एनवायरमेंट फॉर वुमेन, ताकि अपने बच्चों को वगैरह को भी पाल सके। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? आप तेलंगाना की लोकेशन देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया ना ये है तेलंगाना और इसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कब, 2014 में। तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ से बॉर्डर टच करता है, यहाँ महाराष्ट्र से, यहाँ कर्नाटका से और यहाँ आंध्र प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, टोटल 4 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है यहाँ पे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी खोला गया है। याद रखिए स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी जो है खोला गया था, इनोग्रेट करा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन मिशन इंद्रधनुष, तो किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल करा है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओडिशा ने याद रखिए पहला स्थान हासिल करा है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष दोस्तों आपको पता है एक हेल्थ केयर इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, याद रखिए हेल्थ केयर इनिशिएटिव है। और इसको सबसे पहले दोस्तों 25 दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। 25 दिसंबर को क्यों दोस्तों, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। क्या, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस हिंदी में कहते हैं, सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उनका बर्थडे होता है इस दिन, इसीलिए 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। द स्कीम सीक्स टू अचीव 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन इंडिया एंड मेंटेन इट टिल द ईयर 2022। तो 2022 तक का हमारा लक्ष्य है कि भारत में एटलीस्ट 90% जो है इम्यूनाइजेशन कवर हो सके दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं यह है ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहीं पे दोस्तों एक फेमस लेक पाया जाता है जिसका नाम है चिल्का लेक। क्या दोस्तों, चिल्का लेक, जहाँ पे फेमस रेडली टर्टल पाए जाते हैं। कौन से, रेडली टर्टल पाए जाते हैं, मास नेस्टिंग यहाँ पर होती है, याद रखिए। ये है ओडिशा, ओडिशा की दोस्तों याद रखिए राजधानी भुवनेश्वर है। और नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेडी पार्टी इनकी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दलित बंधु स्कीम इज अ मेजर प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट, तो दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, याद रखिए तेलंगाना की ये फेमस स्कीम है जिसका नाम है दलित बंधु स्कीम। इसके अलावा दोस्तों एक और स्कीम चलाती है तेलंगाना सरकार जिसका नाम है रायतू बंधु स्कीम। क्या, रायतू बंधु स्कीम, रायतू मतलब क्या होता है, रायतू मतलब होता है दोस्तों किसान। क्या, किसान, तो किसानों की मदद के लिए रायतू बंधु स्कीम भी तेलंगाना गवर्नमेंट चलाती है। तो दलित बंधु एक जो स्कीम है दोस्तों फ्लैगशिप स्कीम है तेलंगाना गवर्नमेंट की। और दोस्तों ये दलित तो आप शब्द समझते हैं दोस्तों, जो थोड़े बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, मतलब जो पुअर लोग हैं दोस्तों, उनके वेलफेयर के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए दलित फैमिली को ये स्कीम चलाई जा रही है दोस्तों। ठीक है, दलित फैमिलीज ऑफ द स्टेट एंड इनेबल एंटरप्रेन्योरशिप इन दैम, याद रखिए उनके अंदर, दलित फैमिली के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप इन दैम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ 10 लाख पर फैमिली। तो दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप जो है उनमें प्रमोट करा जा सके ताकि ये लोग भी जो है बिजनेसमैन वगैरह बन सकें, तो इसीलिए इनके इनको लगभग 10 लाख पर फैमिली रुपए दिए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन 2021। दिस स्कीम हैज बीन डिजाइन एज अ सोशल वेलफेयर स्कीम विद द एम ऑफ हेल्पिंग द दलित फैमिलीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर से देख लीजिए, ये है तेलंगाना और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है, सेबी हैज इंक्रीज्ड द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाइंग इन पब्लिक इश्यूज ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज विद द फैसिलिटी टू ब्लॉक फंड्स थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मैकेनिज्म, व्हाट इज द न्यू लिमिट। तो सेबी ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मैकेनिज्म के जरिए फंड ब्लॉक करने की सुविधा के साथ डेट सिक्योरिटी के पब्लिक इशू में अप्लाई करने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी है। नई सीमा क्या है दोस्तों, नई सीमा है 5 लाख, याद रखिए 5 लाख जो है लिमिट बढ़ा दी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेबी।
दोस्तों सेबी की हाल ही में एक नई चेयरमैन बने थे, उनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। पहले जो चेयरमैन थे वो थे अजय त्यागी, लेकिन हाल ही में सेबी के नए चेयरमैन अपॉइंट करे गए हैं। तो इन्होंने दोस्तों सेबी ने ही हैज इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, यार रखिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लिमिट कर जो है इंक्रीज कर ली है। अप्लाइंग इन पब्लिक इश्यूज ऑफ डेट सिक्योरिटीज विद द फैसिलिटी टू ब्लॉक फंड्स थ्रू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मैकेनिज्म फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल कम अप इन विच ऑफ दीज इंडियन सिटीज। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इनमें से किस भारतीय शहर में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए जामनगर में स्थापित करा जाएगा। जामनगर कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में। कहाँ है गुजरात, गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा कि ये जो है एस्टेब्लिश करेंगे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में। दोस्तों ये देख सकते हैं ये है टोटल दोस्तों, याद रखिए गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितनी 33 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जामनगर यहाँ पर है दोस्तों। ये है रन ऑफ कच्छ, याद रखिए यहाँ पे कच्छ का इलाका, और यहीं पे दोस्तों वो क्या कहते हैं लायन पाए जाते हैं ना, एशिया लायन पाए जाते हैं। ठीक है, एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। तो याद रखिए ये है जामनगर, और टोटल मैंने बता दिया 33 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद सॉफ्टवेयर कंपनी टॉनटैग फॉर वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस। तो किस बैंक ने वॉइस से UPI भुगतान सेवा के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी टॉनटैग के साथ भागीदारी करी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, NSDL पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में, याद रखिए ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है टॉनटैग के साथ भागीदारी करी है ताकि वॉइस से UPI पेमेंट सर्विस को प्रोवाइड कर सके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इज अ मिस्ड कॉल एडवाइजरी सर्विस फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पॉपुलेशन, विच फंड हाउस हैज लॉन्च्ड दिस कैंपेन। तो हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी महिलाओं की आबादी के वित्तीय शक्ति सशक्तिकरण के लिए एक मिस्ड कॉल सलाहकार सेवा है, यह अभियान किस फंड हाउस ने शुरू करा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, HDFC म्यूचुअल फंड ने ये प्रोग्राम लॉन्च कराया है लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। ठीक है दोस्तों, HDFC म्यूचुअल फंड इज द राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टू सक्सीड इनकमबेंट डॉक्टर मार्कस प्लेयर ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के मौजूदा डॉक्टर मार्कस प्लेयर की जगह लेने के लिए किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष रूप में चुना गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, टी राजा कुमार को नया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क्या कहते हैं अध्यक्ष चुना गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दोस्तों हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यहाँ पे फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस, यहाँ पे हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। FATF की स्थापना दोस्तों G7 कंट्रीज ने करी थी, किसने, G7 कंट्रीज ने करी थी 1989 में, याद रखिए G7 ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज। ग्रुप ऑफ सेवन में कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक्रोनम है जैसे GF, ये जो G7 कंट्रीज हैं दोस्तों ये ज्यादा रिच कंट्रीज हैं, क्या है रिच कंट्री हैं, तो लोग ये लोग हैं GF रखते हैं और जूस पीते हैं, क्या ऐसे याद रख सकते हैं, GF रखते हैं जूस पीते हैं। जी से दोस्तों जर्मनी आ जाएगा, एफ से फ्रांस आ जाएगा, जे से जापान आ जाएगा, यू से क्या आ जाएगा यूके आ जाएगा, यूएस आ जाएगा, क्या दोस्तों यूएस, आई से इटली, सी से कनाडा, क्या कनाडा आएगा, और ई से क्या था दोस्तों मैं भी भूल गया, ई से भी दोस्तों एक देश है मैं नाम भूल रहा हूँ। तो इसके अगर आपको नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए दोस्तों ई से क्या नाम आएगा, मैं नाम एक्चुअली भूल रहा हूँ सॉरी, लेकिन मुझे याद था। ठीक है, तो मैंने 6 तो बता ही दिए, एक सातवां नहीं बता पाया। ठीक है, आप देख सकते हैं टी राजा कुमार को हाल ही में अपॉइंट करा गया, ये सिंगापुर से हैं और इन्हीं को प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम क्या होता है दोस्तों, जो भी दोस्तों याद रखिए जो भी टेररिज्म को प्रमोट करता है पूरे विश्व भर में या उसके लिए फाइनेंसिंग करता है, फाइनेंस भी करता है अगर टेररिस्ट को, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना इस FATF का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, SL नारायणन इज एन इंडियन प्लेयर फ्रॉम विच स्पोर्ट्स इवेंट। तो SL नारायण किस खेल
आयोजन से एक भारतीय खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं एस एल नारायण। याद रखिए ये क्यों न्यूज में रहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये इन चेस इंडियन ग्रैंड मास्टर एस एल नारायण वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द ग्रैंड डिसाची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन। याद रखिए ग्रैंड ग्रैंड सी कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में इन्हें हाल ही में विनर डिक्लेयर करा गया था, जो कि इटली में आयोजित हुआ था 8 मार्च 2022 को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टू रिप्लेस जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह? तो न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की जगह दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जस्टिस डीएन पटेल को। हाल ही में याद रखिए टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का क्या अपॉइंट करा गया है, चेयरपर्सन अपॉइंट करा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द 23rd एंड लेटेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो भारत की 23वीं और नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, याद रखिए पद्मिनी राउत को डिक्लेयर करा गया है, आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? तो निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के सदस्य हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1, 2, 4, याद रखिए अंगोला है, नाइजीरिया है और वेनेजुएला है। याद देखिए इंडोनेशिया जो था पहले था, लेकिन अभी पूछ रहा करंट है ना, करंट में भी कौन है, तो करंट में याद देखिए इंडोनेशिया नहीं है, तो 1, 2, 4 इज द राइट आंसर। और कतर भी नहीं है, कतर और इंडोनेशिया जो थे पहले ओपेक का मेंबर थे, याद देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का पहले मेंबर थे इंडोनेशिया और कतर, अभी ये नहीं है। आप देख सकते हैं जो करंट ओपेक मेंबर हैं ये है अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेनेजुएला, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, कतर, ये दोस्तों फॉर्मर मेंबर थे। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे फंसा देंगे कि ओपेक के मेंबर कौन कौन है। तो याद रखिए यूएई एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अब नहीं है, ना ही वेनेजुएला मेंबर है, ना ही इक्वाडोर है, ना ही इंडोनेशिया है, ना ही कतर है, ये सारे के सारे फॉर्मर मेंबर थे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने मैप लगा दिया है आपके लिए, ये सारे के सारे ओपेक के मेंबर हैं अभी करंट में। दोस्तों मुझे वो वाला क्वेश्चन भी याद आ गया दोस्तों जो मैं बता रहा था, जीएफ और क्या जूस है ना, ये मैंने बताया था ना G7 कंट्रीज हैं, तो मैंने बताया था ना G7 कंट्रीज में कौन कौन ये आते हैं दोस्तों, फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये जापान, ये है USA, ये है इटली, यह है कनाडा, सी से कनाडा, यह है याद रखिए चाइना को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, और ई से है दोस्तों, यह है ई से इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड बोल लीजिए या यूके बोल लीजिए। तो दोस्तों ये है G7 कंट्रीज के मेंबर, याद आ गया दोस्तों, ठीक है, इसे कंफ्यूज हो गया था मैं, लेकिन इंग्लैंड है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।